ये क्या 500 का नोट? अबे ध्यान से तो देख ले, नकली है। अरे नकली है तो क्या हुआ, इसे मैं असली बना दूंगी। मतलब? मतलब ये कि हम किसी गरीब को ढूंढते हैं और ये नोट उसको पकड़ाते हैं और फिर देख तू मेरा कमाल। आइडिया तो अच्छा है यार, मुझे कितने पैसे देगी? मुझे भी दियो यार आधे। देख आइडिया मेरा है तो तू ऐसा कर, 100 रुपए रख लियो, क्योंकि देख सारा काम तो मैं ही करूंगी, सारी मेहनत मेरी भी है ना। चल अब बेवकूफ बनाते हैं किसी को। चल भाई देखते हैं किसको बेवकूफ बनाती है तू। अरे यार क्या हो गया, आज कोई सवारी भी नहीं मिल रही है। अरे भैया जरा 500 के खुले देना। अरे हाँ हाँ मैडम है हमारे पास खुले, लाइए। अरे भैया इस नोट को आप चेक क्या कर रहे हो? अरे मैंने नोट दिया है और आपको मेरी शक्ल से देख के ऐसा लगता है कि मैं आपको नकली नोट दूंगी। अरे आप इसको चेक मत कीजिए, आप मुझे ना फटाफट से 500 के खुले दे दीजिए, मेरे को बहुत जल्दी है। अरे मैडम आपको पता है सब ना ऐसे ही करके नोट चेक करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी चेक कर लूं। और वैसे भी मैडम आप देखने में तो ऐसी लड़की नहीं लग रही हो, आप अच्छे खासे खानदान से लग रही हो, अच्छे खासे परिवार से लग रही हो, और देखने में अमीर भी लग रही हो, अच्छे खासे कपड़े पहन रखे आपने, तो आप मेरे को नकली नोट क्यों ही दोगे? वो सब तो ठीक है लेकिन तू बोलता बहुत ज्यादा है। आज की हमारी दिहाड़ी तो पूरी हो ही चुकी है, एक काम करते हैं, भूख बड़ी जोर लग रही है, सामने पराठे वाले का दुकान है, पराठा खा लेते हैं। और बच्चों ने कुछ बोला था लेके आने के लिए खाने पीने के लिए उनके लिए, तो उनके लिए भी कुछ सामान ले लूँगा। अबे आ गई। ये देख लिया ही ना मैं 500 रुपए के खुले पैसे। अबे यार सही कह रही है, तू तो सही स्मार्ट है, एक काम कर अपना पैसे तो दे। ले पकड़ तेरे 100 रुपए। 100 रुपए? अबे 200 रुपए तो दे कम से कम। 200 रुपए किस बात के, देख सारी मेहनत मेरी लगी है, आइडिया भी मेरा था, तो तेरे तो 100 रुपए ही बनते हैं। चल ठीक है, एक बात बता उसे तुझ पे शक नहीं हुआ? अरे तुझे ऐसा लगता भी है मेरी शक्ल देख के उसे मेरे पर शक होगा? तेरे को लगता नहीं है कि मेरी पर्सनालिटी देख के मेरे पर कोई शक नहीं कर सकता? सही है यार। और वैसे भी तुझे तो पता ही है कि मैं इतनी सुंदर हूँ और सुंदरता का कुछ ना कुछ फायदा तो उठाना ही चाहिए। सही बात है, है ना? और वैसे भी अब तो तेरे को मैंने 100 रुपए दे दिए ना, एक काम करते हैं कुछ खाने पीने के लिए चलते हैं। अबे यार एक तो तूने मुझे 100 रुपए दिए, ऊपर से तू पार्टी भी मांग रही है। अरे यार मैंने तेरे को 100 रुपए दे तो दिए, अब क्या तू मेरी जान लेगा क्या? और वैसे भी देख मैंने तेरे को 100 रुपए देना फ्री फंड के, तो तेरे को 100 रुपए मिल ही रहे हैं, अब तू ना चुपचाप से मुझे पार्टी दे दे। वैसे भी मेरे को ना बहुत ही भूख लग रही है, चल कुछ खाने के लिए चलते हैं। अबे यार तेरा सही है, एक तो तूने मुझे 100 रुपए दिए, ऊपर से तू पार्टी भी मांग रही है इसमें। चल अब चल। भैया 2 पराठे देना। 2 प्लेट? बहुत जोर की भूख लगी हुई है। भैया क्या दे रहे हो आप, ये नकली नोट है क्या? भैया ये नकली नोट है? नकली नोट है ये? अरे हाँ ये तो नकली नोट है, मतलब उन मैडम ने मेरे को नकली नोट दे दिया। बताओ 500 का नोट नकली दे दिया मैडम ने, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि उन्होंने मेरे को 500 का नकली नोट दे कैसे दिया। पूरे दिन की दिहाड़ी थी मेरी, पूरे दिन 500 ही तो कमाता हूँ मैं, और बताओ वो मेरे को नकली नोट दे के चली गई मैडम, अब मैं क्या करूँ? एक काम करूँगा, वो मेरे को मिलेंगी ना कहीं तो ये नोट ना मैं उन्हीं को दे दूँगा, और देखने में अच्छी भी लग रही थी मैडम, वो ले भी लेंगी। हाँ यही करूँगा मैं। अरे सुनो आज ना डिनर पे चलते हैं। अरे ये तो वही मैडम लग रही है मुझे जिन्होंने मुझे नकली नोट दिया था 500 रुपए का। एक काम करता हूँ वो नोट ना इनको वापस कर देता हूँ मैं आज। अरे यार परसों ही तो गए थे हम डिनर पे, आज एक काम करते हैं क्लब व्लब चलते हैं ना। अरे नहीं यार क्लब वगैरह कौन ही जाता है, तुम्हें पता है वैसे भी इतनी गर्मी हो रही है, मुझे ना घर पे ही रहना, और अच्छा तो कुछ मंगा के खाते हैं या फिर मेरे को डिनर पे लेके चलो बाहर। अच्छा चलो ठीक है अभी चलते हैं। वैसे तुम मुझे एक बात बताओ तुम परसों क्यों नहीं आए, परसों थे कहाँ तुम? परसों वो तो मैं घर पर ही थी। मैडम आपने उस दिन मेरे को 500 का नोट दिया था, आप मेरे पास छुट्टा कराने आई थी आपको याद हो तो, आपको पता है मैडम आपने शायद ना वो 500 का नोट मुझे नकली दे दिया था। आपका यह नोट है, आप एक काम कीजिए ना ये नोट आप रख लीजिए और मेरे को असली नोट दे दीजिए, क्योंकि मेरे को ना पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मेरे को अपने बच्चों के ट्यूशन की फ़ीस भी देनी है और घर में थोड़ा खर्चा है, वो भी मेरा तो नुकसान हो गया ना उस दिन आपने नकली नोट दे दिया, तो एक काम कीजिए ना मैडम आप ये नोट रख लीजिए और मेरे को दूसरा नोट दे दीजिए।
अरे तू पागल है क्या? मैं क्यों तेरे को 500 रुपए का नोट नकली दूंगी? तेरे को मैं पागल दिखती हूँ शक्ल से? मैंने नहीं दिया था, तेरे को किसी और ने दिया होगा। तू मेरे पास क्यों आ रहा है ये सब बातें लेकर कि मैंने तेरे को दिया है? मैंने असली नोट दिया था तेरे को। अरे मैडम, उस दिन ना मैंने सिर्फ 500 ही कमाया था और मेरा 500 का सिर्फ एक ही नोट आया था जो कि आपने दिया था। और ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये नोट आपने ना दिया हो। मेरे को अच्छे से याद है, उस दिन आप ही आई थी मेरे पास और खुले दिए थे मैंने आपको एक 200 का नोट और 300 के नोट दिए थे, मेरे को अच्छे तरीके से याद है। और आप आज बोल रही हो कि ये पैसे आपने नहीं दिए। मैडम मैं आपके आगे ना हाथ जोड़ रहा हूँ, ये पैसे रख लीजिए, मेरे को दूसरा नोट दे दो। अरे भैया आपको गलत फहमी हो रही है, ये 500 का नोट ना आपको किसी और ने दिया होगा, मैंने नहीं दिया। मैंने जो आपको 500 का नोट दिया था ना वो ओरिजिनल था, ये नकली नोट आपको किसी और ने पकड़ा दिया होगा और आप उसका नोट उसको तो देने से गए, मेरे ऊपर आके यहाँ पे इंजाम लगा रहे हो कि मैंने आपको दिया है। मैंने एक बार बोल दिया ना। अरे देखो भैया, मुझको ऐसा लगता है आपको कुछ गलत फहमी हुई है। जिसने आपको नकली नोट दिया है ना वो कोई और है, ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये मेरी मंगेतर है और मेरे पे ना इसके ऊपर पूरा भरोसा है, ये कभी ऐसा नहीं कर सकती। अरे भैया कोई बात नहीं, गरीब आदमी अपनी ईमानदारी का सबूत कहाँ से लाएगा ये बताइए आप। बाकी कोई बात नहीं, मेरे नसीब में ये 500 का नोट ही था और चूना ही लगना था तो चूना लग गया, कोई बात नहीं। मैडम आप तो बहुत खुश हुई होंगी एक गरीब आदमी का हक मार के। इस नोट का मैं क्या करूँगा जब मैडम नहीं बोल रही कि ये नोट उन्होंने नहीं दिया मेरे को, ना वो ले रही है और ये नोट नकली है। तो आप एक काम कीजिए ना, ये नोट अपने पास ही रखिए, मेरे को नहीं चाहिए। अरे यार जसवीन, मुझे तो सच सच बता, तूने तो इस गरीब का हक नहीं मारा। अरे साहिल तुम कैसी बातें कर रहे हो, भला मैं क्यों उस गरीब का हक मारूंगी? तुम्हें मैं ऐसी लगती हूँ? तुम्हें मेरे ऊपर जरा सा भी भरोसा नहीं है? अरे यार ऐसी बात नहीं है, ये बेचारा देखो कितना गरीब है, ये दिन के 400-500 रुपये कमाता होगा, ना जाने किसने इस गरीब का हक मार लिया। मैं बस इतना कहूँगा जिसने भी इसका हक मारा होगा ना वो कभी खुश नहीं रह पाएगा। अच्छा चलो ठीक है, तुम चलो। अरे भैया थोड़ा बाहर आना। हाँ भैया बताओ क्या बात है। भैया अभी आप मुझे वहाँ पे मिले थे और आप बता रहे थे उस लड़की के बारे में कि 500 रुपये ऐसा कुछ बता रहे थे आप। तो भैया मुझे ना आपकी बातों में ना थोड़ी सच्चाई लगी थी, इसलिए भैया मैं आपके पास आया हूँ। और भैया आपको पता है वो लड़की है ना जो, वो मेरी मंगेतर है। तो भैया आप बता सकते हो क्या बात हुई है और क्या नहीं? भैया बात ना कुछ दिन पहले की है, वो मैडम ना मेरे पास आई थी 500 रुपये का नोट लेके छुट्टे करवाने के लिए। और उस दिन ना मैंने पूरे दिन में 500 रुपये ही कमाए थे और मेरे को ने देखा उनको कि अच्छे खासे घर से लग रही थी, कपड़े अच्छे पहन रखे थे और बहुत अच्छे से बात भी कर रही थी। तो मेरे को लगा ना कि उनको ज़्यादा ज़रूरत है खुले पैसों की, तो मैंने ना खुले पैसे दे दिए उनको। और उसके बाद पता है क्या हुआ भैया मेरे साथ, जब वो पैसे लेके मैं दुकान पे गया ना तो दुकानदार ने मेरे को बोला कि भैया ये तो नकली नोट है। और बताइए भैया हम गरीब लोग पूरे दिन में 500-700 या 1000 रुपये कमाते हैं, उसमें से आपकी जो मंगेतर है जिससे आपकी शादी होने वाली है वो 500 रुपये मेरे को नकली नोट दे के चली गई। उस दिन का तो समझो मेरा पूरा खर्चा ही चला गया, ये अच्छी बात थोड़ी ना है। हम गरीब पूरे दिन में 500 रुपये कमाते हैं तब जाके हमारा घर चलता है। भाई आपको अच्छे से तो पता है ना ये वही लड़की थी। अरे हाँ भैया मेरे को अच्छे से पता है, आपको पता है हम पूरे दिन में 50 बंदों को सवारी लेके जाते हैं और हमारे को ना अच्छे से फेस पता रहता है कि कौन बंदा कैसा है कैसा नहीं। पर उस दिन उन्होंने मेरे को घाटा लगा के गए तो मैं उनका फेस कैसे भूल सकता हूँ। और उन्होंने ना उस दिन मेरे से 2-4 मिनट बात भी करी थी, तो आप ही बताइए भैया कि मैं उनका फेस कैसे भूल पाऊँगा। अच्छा भैया ऐसी बात है, भैया अगर आप सच बोल लोगे ना आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा। तो भैया आपने एक काम करना, कल उस लड़की के पास फिर से जाना और जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे वैसे करना। आप उसके पास जाके ठीक है भैया, जैसे मैंने आपको समझाया ना उसके पास जाके वैसे वैसे करना। और अब क्या हुआ अगर वो मेरी मंगेतर है, अगर उसने गलती करी है ना उसको सज़ा ज़रूर मिलेगी। पर भैया उस समय भी वो इनकार कर दे और मान ही नहीं कि उन्होंने मेरे को पैसे दिया है, फिर उसके बाद आप तो मुझे झूठा मान लोगे ना। ऐसी बात नहीं है भैया, अगर वो लड़की गलत है और मेरे सामने आपसे झूठ बोली होगी तो अकेले में वो सच ज़रूर बोलेगी और ना सारी बातें बोलेगी, वो हमें पीछे से सुन रहा होगा और वो गलत निकली मैं उसी वक्त उसको सजा दूंगा। ठीक है भैया आप जैसा बोल रहे हो ना मैं वैसे ही करूँगा, कल मैं उनके पास जाऊँगा और जैसे जैसा आपने बोला है ना मैं वैसे ही करूँगा। ठीक है। ये भाई ना दिल के अच्छे लग रहे हैं मुझे,
और ऐसे इंसान ना इस दुनिया में होने भी चाहिए। चलो यार वो बच्चे को उठाने जाना है। मैडम जी आप मुझे एक बात बताओ, आपने मेरे को झूठ क्यों बोला कि आपने वो पैसे मुझे नहीं दिए थे? पर मुझे अच्छी तरीके से याद है कि वो पैसे आपने ही मुझे दिए थे। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा आपने झूठ क्यों बोला उस दिन, और वो नकली नोट आपने मुझे जानबूझ के दिए थे ना? अरे उस दिन तो मुझे झूठ बोलना ही पड़ा, और मैं करती भी तो क्या ही करती, तेरे को पता है मेरे साथ ना मेरा मंगेतर था और वो मेरे ऊपर कितना ज्यादा भरोसा करता है, उसके सामने मैं झूठ थोड़ी ना बोलती। और वैसे भी एक 500 रुपए पीछे मैं अपनी बेइज्जती थोड़ी ना कराऊंगी। हाँ मैंने दिया था तेरे को नकली नोट, बोल क्या करेगा तू? कोई बात नहीं मैडम, आपने मेरे पैसे मार लिए, आपने ये सोचा होगा कि मैं एक रिक्शे वाले का पैसा मार लूंगी तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊंगी। चलो बढ़िया बात है मैडम, आप उस दिन खुश तो बहुत हुई होंगी। आपको ऐसा लगा होगा कि मैंने 500 रुपये बचत कर लिए एक रिक्शे वाले का हक मार के। मैडम मुझे आप एक बात बताओ, आप इतने अच्छे खानदान से हो, इतने अच्छे परिवार से हो और इतने अमीर हो, आप ऐसा काम करती हो, गरीब का हक मारती हो, ये आपको शोभा देता है? चलो कोई नहीं मैडम, पर आपको मैं एक बात बताऊँगा, उन 500 रुपये से ना मेरा घर चलता है, मेरे परिवार चलता है, जो मेरे बच्चे हैं उनकी ट्यूशन की फ़ीस जाती है। उस दिन पता है मेरा कितना नुकसान हो गया? आपको नहीं पता, आप तो एक दिन में 500 हज़ार, क्या आप 10-10 हज़ार रुपये कमाते होंगे, इसलिए आपको 500 की वैल्यू नहीं पता, पर हम रिक्शे वालों को पता है कि 500 की वैल्यू क्या होती है। मैडम हम ना 500 के लिए पूरे दिन मेहनत करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, उसके बाद जाके हमारा ना 500 हज़ार रुपये कमाते हैं और वो हम घर पे लेके जाते हैं, हमारे घर पे काम आता है, हमारे बच्चों के काम आता है, उनके ट्यूशन की फ़ीस जाती है। पर मैडम आपके ये बात कहाँ समझ में आएगी कि एक गरीब अपना परिवार कैसे चलाता है? ओ अच्छा जसमीत, ये बात थी। अरे जसमीत मुझे तो तुम पे भरोसा नहीं हो रहा कि तुम ऐसा कर सकती हो, तुम्हें गरीब का हक मार सकती हो। यार मुझे तुम पे भरोसा नहीं होता। अरे यार मैं तो तुमसे इतना प्यार करता था, तुम्हारे बारे में कभी सोचा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। तुम्हें पता है एक गरीब को 500 रुपये कमाने में कितनी मेहनत लगती है? ये बेचारा दिन रात मेहनत करता है 500 रुपये 600 रुपये कमाने के लिए, और तुम एक ही पल में इस बेचारे का 500 रुपये मार ली। अरे यार मैं तो तुमसे शादी करने वाला था, और अच्छा हुआ आज तुम्हारी असलियत ना मेरे सामने आ गई कि तुम किस तरह की लड़की हो। मुझे ना तुम्हारे साथ शादी वादी नहीं करनी, तुम जा सकते हो यहाँ से, निकलो। लेकिन सहेल मेरी बात तो सुनो एक बार। मुझे ना तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, चुपचाप से निकलो यहाँ से। और भैया इसकी तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वो इसने आपके 500 रुपये मारे थे ना, तो भैया ये लो 2000 रुपये आप रख लीजिए। भैया पर मेरे तो हक के पैसे 500 थे ना। अरे कोई बात नहीं भैया, ये समझिए ये आपकी ईमानदारी के पैसे हैं, इसे आप अपने पास ही रखिए। भैया आपका ना बहुत बहुत धन्यवाद, आप जैसे इंसान इस दुनिया में जब तक है ना, इस दुनिया से अच्छाई कभी ख़त्म नहीं हो सकती, आपका यह एहसान ना मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। अरे कोई बात नहीं भैया, आप धन्यवाद मत बोलिए।